एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। शाय स्टाइल्स, कैसे हैं आप सब? सो मैं क्रिएट करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल एंड एवरीडे सॉर्ट ऑफ अ मेकअप लुक जो आप एवरीडे में कैरी कर सकते हैं। प्लस मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी कि आप एवरीडे में मेकअप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो उससे पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आप गलती करते हैं जिसकी वजह से धीरे 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 आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता और मैं भी कई बारी गलतियाँ कर चुकी हूँ, बट अभी मैं ये नहीं करना चाहती। ऑलरेडी मेरी स्किन काफ़ी हद तक रिपेयर होना स्टार्ट हो गई है थैंक्स टू ऑल यू नो हेल्दी डाइट एंड स्लीपिंग पैटर्न एंड माय स्किन केयर रूटीन आल्सो। ओके, कुछ और ट्रीटमेंट्स वगैरह। सो या इस लुक में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड चिट चैट वीडियो भी होने वाला है, तो आई थॉट आपको पसंद आएगा। और इस लुक को क्रिएट करने के लिए मुझे इन झुमकों ने बहुत इंस्पायर किया है, बिकॉज लव दिस झुमका सो मच। जस्ट लुक एट दिस झुमकास, कितने प्यारे हैं ये झुमकास। सो दीज आर फ्रॉम सोनी ज्वेल्स। इंस्टा पेज मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दे हैव ब्यूटीफुल ज्वेलरीज एंड ब्यूटीफुल एक्सेसरीज एंड ब्राइडल ज्वेलरीज एज वेल। सो डू चेक आउट गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं। एंड बाय द वे गाइज, मेरा आज का बैकग्राउंड टोटली चेंज है। मैं ट्राई करूंगी इसी बैकग्राउंड में शूट करूँ, अभी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आई ट्राई टू मेक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। बाहर जाना था मुझे तो मैंने सोचा कि चलो मेकअप करती हूँ मैं एवरीडे में, बहुत ही सिंपल सा करती हूँ। और क्या क्या यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, कैसे आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो सबसे पहला टिप जो है, अगर आप मेकअप कर रहे हो, बाहर जा रहे हो या फिर आप स्किन केयर कर रहे हो या आप घर पे हो, तो आपको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? नो मैटर व्हाट, आपको सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, वो एक सनस्क्रीन, एक अच्छी SPF की सनस्क्रीन। आपकी सनस्क्रीन 30 SPF से अबव की होनी चाहिए और उससे ऊपर की जितनी भी सनस्क्रीन SPF आप लगा सकते हैं वेल एंड गुड। बट अगर आपने बहुत अच्छी लगा ली, 50-60 लगा ली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। इट डिपेंड्स कि आप कितना सन एक्सपोजर मिल रहा है। सन आपकी ऑल ओवर बॉडी को तो करता ही करता है। आपको पता ही है कि जितना एरिया आपका क्लोज होता है, लाइक जितने एरिया तक आपने कपड़े पहने होते हैं उसके बाद का ही अगर आप कंपेयर करते हो तो वो बहुत डल, बहुत डार्क होता है, क्योंकि धीरे धीरे धीरे, और कुछ कुछ जगहों पे आपको ब्राउन स्पॉट्स भी दिखते हैं क्योंकि वो धीरे 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 आपकी स्किन जो है एक्सपोजर से डैमेज होना स्टार्ट होती है। सो हमारी बॉडी की स्किन और हमारी फेस की स्किन बहुत डिफरेंट होती है। वैसे हमारी फेस की स्किन और आई की स्किन बहुत डिफरेंट होती है, तो ये बहुत डेलिकेट होती है और कुछ लोगों की तो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लाइक मी, मेरी स्किन बहुत है। तो धीरे धीरे सन एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है तो वो धीरे धीरे आपकी स्किन को डैमेज करता है। इट टेक्स टाइम गाइज, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी स्किन कितने दिनों में खराब। हमारे इंडियंस में मैंने मोस्टली देखा सनस्क्रीन की इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। दे थिंक ओके सनस्क्रीन है, ठीक है, किसी चीज़ में मिल जाएगा, कुछ भी लगा लो। 50-60 तो बहुत ही मुश्किल से लोग लगाते हैं, 10-15 वाला भी लगा लेते हैं भी बहुत है, तो भी बहुत है। वो सोचते हैं कि सिर्फ बाहर जाएंगे तो ही लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। दिस इज़ अ रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग है ये। ऐसा बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अगर आप घर पे भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना। यूवी रेज जो होती हैं वो आपके घर के अंदर तक भी पहुंचती हैं और धीरे धीरे आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। डायरेक्टली सन का एक्सपोजर मिलता है तो वो बहुत फास्ट हो जाता है डैमेज प्रोसेस। सो आपको सन से प्रोटेक्शन के लिए एक सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत मेकअप्स में भी सनस्क्रीन आती है, फाउंडेशन में, कॉम्पैक्ट में, लिप बाम में, यू नो, क्योंकि दे नो, लाइक कंपनीज नो कि भैया आपको ज़रूरी है सनस्क्रीन। लिप्स पे भी आपको लिप बाम में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्ट करना है। बालों को भी बहुत ज़रूरी होता है। सो हर चीज़ का प्रोटेक्शन है तो फेस का क्यों नहीं। सो आई सजेस्ट ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन वट एवर, आप घर पे हो तो भी लगाओ, नहीं हो तो भी लगाओ, बाहर जा रहे हो तो डेफिनेटली लगाना है। सो हेयर आई हैव दिस वाओ यूवी वाटर सनस्क्रीन। ये मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा प्रोडक्ट क्योंकि मैंने अभी तक जेल बेस्ड एंड क्रीम बेस्ड लगाए हैं सनस्क्रीन हमेशा, जिसको मैं हमेशा मेकअप से पहले या फिर बाहर जाने से पहले अप्लाई करती हूँ एंड देन उसके ऊपर कुछ लगाती हूँ। सनस्क्रीन क्या करता है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर या एज अ बैरियर काम करता है, तो सन से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ऑब्वियसली। सो आपको लगाना है, तो यहाँ पे जो मेरे पास है वो वाओ स्किन साइंस का वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन है, नो कलर, ट्रांसपेरेंट है। इसको अप्लाई करना इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। यू हैव टू शेक इट इस तरीके से क्योंकि इसके अंदर जो यू नो इंग्रेडिएंट है वो नेचुरल है, नेचुरल सन ब्लॉकर है इसके अंदर गाइस। इट कंटेन्स रेसबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरसीड एक्सट्रैक्ट एंड एवोकाडो ऑयल, नेचुरल सन ब्लॉकर्स हैं ये, ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। ये 30 SPF है तो विच मीन्स आपको थोड़ी थोड़ी देर में अप्लाई करना ज़रूरी है। आप इसे ज़्यादा का भी SPF लगा सकते हो
और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देता, ये एज अ शील्ड वर्क करता है, आपकी स्किन को काम करता है एंड हाइड्रेट करता है. तो इट वर्क्स एज अ मॉइस्चराइजर एज वेल. सो शेक इट, सी इट्स अ ट्रांसपेरेंट वाटर बेस्ड सनस्क्रीन. सो ये सबसे अच्छा है कि वाटर बेस्ड है तो आपकी स्किन में काफ़ी डीप तक जाएगा. मोस्टली अगर आप कोई भी सीरम्स लगाते हो या क्रेम्स लगाते हो तो वो आपकी स्किन के ज़्यादा डीप नहीं जाते, ऊपर ही लेयर पे प्रोटेक्ट करते हैं, बट ये आपके डीप लेयर्स तक जाएगा क्योंकि ये वाटर कंसिस्टेंसी में है तो डीप जाने में हेल्प होगा इसको एंड इट प्रोटेक्ट्स अंदर से. ओके सो ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, कोई भी मिनरल ऑयल वगैरह इसमें नहीं है एंड ये क्रुएल्टी फ्री भी है. सो आप ऐसा सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हो. वाओ का ये मुझे प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग लगा. इवन कि आप सिर्फ मेकअप करने से पहले नहीं, आप मेकअप करने के बाद अगर आपने बैग में कैरी किया है, क्योंकि कैरी करने में बहुत इजी है, आपको मेकअप के ऊपर भी आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन आपको मिलेगा. प्लस इट गिव्स अ ब्यूटीफुल वाला ग्लो, यू कैन सी ये नॉन ऑयली लगता है, ऐसे ऑयली सा नहीं है, बट इसके अंदर एवोकाडो ऑयल है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. फर्स्ट स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सनस्क्रीन. ओके नेक्स्ट जो हम लोग गलती करते हैं वो एक मॉइस्चराइजर है. व्हाट सो एवर आपकी स्किन कोई भी टाइप की आपको लगाना है, ठीक है, आपको लगाना है. बहुत सारे मॉइस्चराइजर ऐसे होते हैं जो ऑल स्किन टाइप्स को सूट करते हैं, लेकिन न्यूट्रीडर्म को ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है मॉइस्चराइजर. अगेन ये स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ स्किन के सूट करता है, हेल्प करता है, रिपेयर करता है, सनबर्न से भी आपको प्रोटेक्ट करता है. तो आपको एक अच्छा सनस्क्रीन के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है. आपकी कोई भी स्किन टाइप है आपको लगाना ही लगाना है. तो मैं मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करती हूँ. आपकी यू नो ड्राई स्किन वालों के लिए तो मस्ट है, पर ऑयली स्किन वालों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए होता है और मॉइस्चराइजर वो चीज़ प्रोवाइड करता है. एंड यू कैन सी, सो मस्ट मस्ट मस्ट. ओके नेक्स्ट, अगर एवरीडे में मैं कर रही हूँ तो मैं बहुत ही रेयर फाउंडेशन लगाती हूँ. मैं या तो ट्राई करती हूँ कॉम्पैक्ट से काम चला लूँ या फिर यू नो बीबी क्रीम वगैरह या फिर कंसीलर इफ आई नीड. तो यहाँ पे मैंने अच्छे से स्किन केयर भी किया है. एंड नेक्स्ट उसके बाद आप टोनर से पहले लगा सकते हो. मेरे पास यहाँ पे चिया सीड्स का हाइड्रोमिस्ट है, इसे अप्लाई कर लेती हूँ. आई लव हाइड्रोमिस्ट, या फिर आप कह सकते हो मिस्ट, क्योंकि मेरे स्किन को हाइड्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. फिर हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे शुगर का बीबी फाउंडेशन या कुशन फाउंडेशन, बट मैं इसे एज अ बीबी क्रीम अप्लाई करूँगी और ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा. आपको एवरीडे में बहुत हैवी फाउंडेशन ये सब लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जहाँ पे आपको लगता है स्पॉट्स हैं. और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डेलिकेट है, अगर आप यहाँ देखोगे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स हैं, ये मुझे आज से नहीं है, अराउंड 5 to 6 years हैं, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी मैं सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं समझती थी कि कोई ज़रूरी है. एंड उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा सन एक्सपोजर मिलता था गाइज, क्योंकि मैं कॉलेज से अप डाउन करती थी अपने घर के लिए, तो मैं पैदल जाती थी, लाइक वॉकिंग पे ही था मेरा 15 to 20 minutes एंड नो स्कार्फ, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं. सो धीरे 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 करके मुझे ये ब्राउन स्पॉट्स हुए थे. इसका ट्रीटमेंट मैंने लिया था तो उन डॉक्टर ने भी मुझे सिर्फ यही कहा कि प्लीज़ आप सनस्क्रीन अप्लाई करें. तो तब से मैंने सनस्क्रीन को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया. बट जब मैं घर पर होती थी तब मैं नहीं लगाती थी, बट उसके बाद मुझे धीरे धीरे नॉलेज हुआ कि नहीं मुझे लगाना है. तो मैं अब भी घर में लगाती हूँ. मुझे काफ़ी ज़्यादा सनस्क्रीन लगाना अच्छा लगता है, बट आई हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सनस्क्रीन जो मेरी स्किन को सूट करें. यू कैन सी यहाँ पे मैंने हल्का हल्का सा लगाया है, बहुत ही माइल्ड है एवरीडे में. और मेरे जितने यू नो मार्क्स हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स, वो भी कवर नहीं हुए क्योंकि मुझे बहुत कवरेज नहीं चाहिए, एक इवन स्किन चाहिए थी, बस दैट्स इट. ओके गाइज, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप बीबी क्रीम स्किप कर सकते हो, आप अपना बीबी कुशन फाउंडेशन वगैरह स्किप कर सकते हो, आप कंसीलर स्किप कर सकते हो, बट एक अच्छा कवरेज का आप कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको एक अच्छा इवन स्किन मिल सकती है. सो यहाँ पे मैं यूज़ करी मेरा फेवरेट मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर. आई नो कि मैं इसे अपने ऑलमोस्ट हर वीडियोज में यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका फॉर्मूला बहुत अमेजिंग है. मेरा शेड अभी मीडियम है. देखो क्या करना होता है, मैं सिंपली ऐसे स्पंज से ऐसे ऐसे कर देती हूँ तो ये जो फाइन लाइंस हैं छोटी छोटी उस पर भी सेट हो जाता है और बिल्कुल क्रीज नहीं करता. ट्रस्ट मी, ये इतना अच्छा लगता है स्किन में, इतना ज़्यादा. तो आपको सिर्फ अपने फेस पे इस तरह डैप करना है. आप चाहें तो यू नो अपने ब्रश की हेल्प से भी कर सकती हैं. और ये कलर भी नहीं चेंज करता, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है. तो अगर मैं सेटिंग मतलब यू नो बेक कर रही हूँ तो टाइम लेती हूँ, अगर बेक नहीं कर रही हूँ तो मैं सिंपली लगाने के बाद हटा देती हूँ.
इस तरीके से, तो आपका कॉम्पैक्ट हो जाता है। और अब मैंने फेस पे इसके अलावा थोड़ा सी कवरेज के लिए क्रीम लगाई है, बीबी कुशन, एंड दैट्स इट। मेरा बेस ऑलमोस्ट डन है, इसके अलावा बेस में मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। और हल्का हल्का सा मैं नेक पे भी, ताकि फेस का कलर और नेक का कलर अलग ना लगे, एंड दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्राउज। मैं कभी भी ब्राउज को स्किप नहीं करती हूँ। हाँ, घर में हूँ तो ऑब्वियसली नहीं लगाती हूँ, बट अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे मेकअप में ब्राउज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको भी बहुत ही डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मिलानी का ब्राउ, एंड यू कैन सी कि मैंने इसे कितना ज़्यादा यूज़ किया है। ये वाला शेड मुझे नहीं जाता तो मैं इसे यूज़ नहीं करती, मैं दिस ब्राउन वाला थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। सो या एंगल ब्रश लेती हूँ, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आपको हमेशा पहले पीछे से अपने ब्राउज को शुरू करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो आपके हेयर्स होते हैं आईब्रोज के, वो थोड़े थिक होते हैं। और उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो रह जाता है उससे आपको अपने फ्रंट ब्राउज पे इस तरीके से ऐसे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे पेंसिल्स लगाना उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, ब्राउ पेंसिल्स। मैं ज़्यादा या तो ब्राउ पोमेड या फिर ब्राउ पाउडर्स यूज़ करती हूँ, जो कि नेचुरल लगते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस गाइस। तो हम सेकेंड ब्राउज को भी ऐसे फिलिंग करेंगे। ओके, सो आफ्टर ब्राउज आप ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। ब्लश आप एवरीडे में अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो नेचुरल लगे, ऐसे लगे कि आप नेचुरली ब्लश कर रहे हैं, आपकी यू नो आपकी चिक्स नेचुरली ब्लश कर रहे हैं। उसके लिए आप लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं, यू नो नेचुरल ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लॉरियल की लिपस्टिक ले रही हूँ, बट आपको यहाँ अप्लाई नहीं करना, आपको यहाँ अप्लाई करना है इस तरीके के दो डॉट्स। एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपने पहले ही पाउडर फॉर्म नहीं अप्लाई किया हो तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज आपकी जो फेस पे है वो पैची लगेगा और ब्लेंड नहीं होगा। एंड सिंपली आपको एक ब्रश के हेल्प से ऐसे ब्लेंड कर देना। लिपस्टिक जो है वो लास्ट लॉन्ग करती है, क्योंकि वो लिक्विड में होती है, और पाउडर्स जो होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करते हैं। और नेचुरल लगना चाहिए, इसलिए कलर का जरूर सेलेक्ट करें, बहुत ही वाइब्रेंट कलर का ना हो। मैंने लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक यूज़ की है, सो आप बिल्कुल इसी तरीके का यूज़ कर सकते हैं। पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली अप टू यू गाइस। मैं क्या बोल रही हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या बोलने जा रही हूँ। सो आप अपने हिसाब से कुछ भी, और या फिर आप लिपस्टिक के ऊपर भी पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेगा। सो या यू कैन सी बहुत ही बेयरली दिखाई देगा कि आपने ब्रश लगाया। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट इज मस्कारा। नॉट मस्कारा गाइज, आप मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यू नो मेकअप में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं कि यही करना है, इसी तरीके से करना है, इसके बाद ये करना है। जैसा आपका दिल करे, आपको जैसा सही लगता है वैसा करें। मैं यहाँ पे मस्कारे के पहले यूज़ करी लाइनर, मैंने दोबारा से लाइनर स्टार्ट कर दिए हैं। रिसेंट में मैंने अपने ब्लॉग डाला है, उसमें लोगों ने मेरे मेकअप को बहुत पसंद किया है। सो बहुत ही प्रैक्टिकल सा था वो भी, तो मैं भी उसी तरीके का लुक ही शेयर कर रही हूँ। तो अगर मेरे शायद फैन देख रहे हो तो आप देख पाओगे मैंने कैसे किया था वो लुक। तो मैंने उसमें एक लाइनर ड्रॉ किया हुआ है जो कि बहुत बोल्ड नहीं है। इस तरीके से मैं दूसरी आंख में कर लूंगी। आई डोंट नो मेरी आंखों में भी पानी क्यों आ रहा है। मेरे रूम में थोड़ा सा यू नो क्या कहेंगे, फ्यूमिगेशन जैसा आंखों में लग रहा है, क्योंकि दिस इज अ न्यू सेटअप, तो इस रूम को मैंने पहली बार यूज कर रही हूँ इस वजह से।
ओके सो मैंने आईलाइनर लगा लिया है। कभी कभी मैं इस तरीके का आईलाइनर लगाना पसंद करती हूँ, इससे थिन भी लगा लेती हूँ एंड कभी कभी विंग बहुत ज़्यादा लगाना भी पसंद करती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा विंग आईलाइनर लगाती थी। अगर आप मुझे 2-3 साल से फॉलो कर रहे होंगे सो यू गाइज नो दैट कि मैं पहले प्रीवियस वीडियोज में बहुत विंग आईलाइनर लगाती थी। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, करंटली फेवरेट है मेरा ये मस्कारा एंड दिस इज टू फेस्ड का बेटर देन सिक्स मस्कारा। ओह माय गॉड दिस इज अमेजिंग। ये छोटू मोटू सी चीज़ एकदम बहुत बड़ा वाला धमाका है एंड इन एवरी डे मेकअप लुक यू शुड अप्लाई मस्कारा। बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम डेली मस्कारा लगाएंगे तो हमारी लैशेस टूट जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता है। आप अच्छा यू नो ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। जैसे अपने हेयर को आप ऑयलिंग करते हैं, उसके रूट्स को स्ट्रेंथ देते हैं, तो उसी तरीके से आप अपने लैशेस पे भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं रात के टाइम। एंड अगर आप मस्कारा अप्लाई करके नहीं सोएंगे तो मस्कारा रिमूव करके नहीं सोएंगे तो डेफिनेटली आपकी लैशेस ख़राब हो सकते हैं, बट हमेशा मेकअप को रिमूव करके ही आपको सोना है। सो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा। अच्छा स्किन केयर या अच्छी चीज़ आप करोगे यू नो तो आपका मेकअप भी अच्छा लगेगा और आपकी स्किन भी अच्छी लगेगी। सो आपको हमेशा अपना मेकअप रिमूव करके सोना है। सो आप मस्कारा भी रिमूव करें एंड देन यू नो कोकोनट ऑयल या फिर आप कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं अपनी लैशेस पे। और आजकल तो बहुत सारे सीरम्स भी आते हैं। और कोशिश करें कि आप एवरीडे में ना ऐसा मस्कारा लगाएं जो कि आपके लैशेस को बहुत ज़्यादा क्लम्पी ना बनाए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। कुछ कुछ मस्काराज ऐसे होते हैं, दिस इज़ अ वेरी नाइस मस्कारा एक्चुअली। एंड इसको लगाने के बाद आपको फॉल्सीज लगाने की ज़रूरत नहीं है और हल्की हल्की लैशेज भी है ना तो भी ये आपकी लैशेज को बहुत मज़े का कर देता है लुक। डू ट्राई दिस मस्कारा इज अमेजिंग। आप मैक का भी ट्राई कर सकते हैं। ओके मेरी इधर लैशेस के बीच में एक गैप है जिसकी वजह से यू नो ये कम्प्लीटली नहीं हो पाता है। एंड जो भी प्रोडक्ट बच जाए उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। सो जो आईब्रो के हेयर्स होते हैं वो एक ही लेन में होंगे, सेट रहेंगे और आपके आईब्रोज भी वेल ग्रूम लगेंगी। बट ये वाला स्टेप आपको जब करना है जब आप अपना मस्कारा पूरा अप्लाई कर ले तब। सो या आई एम डन विद माय मस्कारा। सो ऑलमोस्ट आई एम डन विद माय मेकअप गाइस। सो मस्कारा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीडे में डेफिनेटली लगाइए, बहुत अच्छा लगता है, आपके लुक को बहुत कंप्लीट करता है, आपके आईज़ को बहुत प्यारा लुक देता है। एंड आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन, बट यू नो दैट आई लव हाइलाइटर्स एंड मैं एवरीडे में हाइलाइटर्स लगाना पसंद करती हूँ। आप स्किप कर सकते हैं, नो इशू, बट आई लव हाइलाइटर्स। तो पर मैं बहुत ही ब्लिंगी या बहुत हार्श नहीं लगाती हूँ। मैं लगाती हूँ ऐसा कि स्किन ग्लो भी करे एंड मुझे लगे कि हाँ मैंने हाइलाइटर लगाया है। सो यहाँ पे मैं ये मेरा रेवोल्यूशन पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग पैलेट। इसमें आपको टोटल 8 डिफरेंट शेड्स मिलते हैं। आई लव दिस पिंक वन एंड ये वाला भी। मिक्स करके आप देखिएगा मैं कितना हल्का लगाऊंगी। दैट्स इट सी, बहुत ही हल्का आईब्रोज पे हल्का सा, दैट्स इट। तो यहां पे अब आती है वाली लिपस्टिक के। सो मेरे पास 2 लिप शेड्स है। आप न्यूड लगा सकते हो, इस तरीके का न्यूड, पिंक न्यूड, बट मेरा फेवरेट शेड है ये और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये डार्क कलर की लिपस्टिक, स्टेक वॉकी की है। थोड़ा सा डिफरेंट लुक लगेगा। ओके सो दिस इज माय फाइनल लुक। ओके सो मैं यहाँ पे बिंदी के साथ भी ये लुक दिखा रही हूँ। you know? so, ये कंप्लीट इंडियन लुक लग रहा है कि नहीं? ओके सो मेकअप को सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रोज ही सेटिंग स्प्रे लगाओ। आप अपना फेस मिस्ट, कोई भी तरीके का फेस मिस्ट यूज़ कर सकते हो जो कि मेकअप को सेट भी करेगा, मेल्ट भी करेगा एंड लॉन्ग लास्ट तो बनाते ही, क्योंकि वो यू नो एक साथ मेकअप को लॉक कर देता है मेल्ट करके। बट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन दिस वाओ की यूवी वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे। इट्स इन स्प्रे फॉर्म तो ऑब्वियसली ये वाटर बेस्ड है एंड ये ऊपर से भी मेकअप लगाने के बाद ऊपर से भी ये सन प्रोटेक्शन मुझे बहुत अच्छा देगा।
एंड प्लस इसका जो ग्लो है ना वो आपके मेकअप को बहुत ही ड्यूई बना देगा, ट्रस्ट मी। एंड ऐसा भी सनस्क्रीन मैंने नहीं देखा मार्केट में, तो आई डोंट थिंक सो मैंने अभी तक कोई भी ऐसा सनस्क्रीन देखा है जो स्प्रे फॉर्म में आया हो। एंड यू कैन सी माई स्किन राइट नाउ एंड लुक एट द मेकअप। सो आप इस तरीके का सनस्क्रीन जरूर ट्राई करें, इवन आप ये वाला सनस्क्रीन जरूर ट्राई करें। सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी एंड बाकी प्रोडक्ट्स की भी डिटेल्स एंड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइज। सो दिस इज द फाइनल आउटकम एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट फॉर यू नो एवरी डे टाइप ऑफ अ मेकअप लुक, एवरी डे काइंड ऑफ अ मेकअप लुक। अगर आप बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं बिंदी को यू कैन कैरी विद योर सूट्स एंड इंडो वेस्टर्न लुक के लिए एंड विदाउट बिंदी अगेन। इट्स अ ब्यूटिफुल लुक गाइज। लिपस्टिक के साथ आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत बोल्ड कलर की लिपस्टिक लगाई है। आप डेफिनेटली न्यूड लिपस्टिक के साथ भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं, एक रेड मरून पिंक वट एवर कलर यू लाइक आप उसके साथ इस लुक को कैरी कर सकते हैं। एंड आई थिंक मुझे बिंदी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ही है और इतना खूबसूरत लगने लग जाता है। एंड मैंने ब्लैक लगाया है क्योंकि आई लव ब्लैक। ऑल राइट यू गाइज, सो आई थिंक ये लुक आपको पसंद आया होगा एंड जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं बिफोर मेकअप या मेकअप के साथ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। वीडियो अगर आपके लिए जरा से भी हेल्पफुल रही हो किसी भी तरीके से तो प्लीज डू लाइक, लाइक करने से मुझे डेफिनेटली पता चलेगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है आप इसे सिर्फ और सिर्फ यू नो एवरी डे पे भी नहीं, आप इसको थोड़ा सा और इनहेंस करके आप किसी छोटे मोटे फंक्शंस में भी कैरी कर सकते हैं। या सो या मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।